जब हम लोगों को एक्सीडेंट होता है तब किसी भी तरीके का बाइक एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट कोई भी किस्म का एक्सीडेंट होता है तब जहां पे चोट लगता है मार लगता है इंजरी होता है उस जगह पे इंजरी मार लगने के बाद उस जगह में अगर फ्रैक्चर वगैरह होता है कुछ भी होता है तो ये तो प्लास्टर करने के बाद वो जगह में प्लास्टर या बैंडेज जो भी हो ट्रैक्शन जो भी हो करने के बाद वो जगह का हड्डी वगैरह तो जुड़ जाती है लेकिन पहले के जैसा क्या उस जगह में पावर रहता है या उस जगह में पहले के जैसा क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहता है? नहीं रहता। इसका उदाहरण है हमारे ये पेशेंट रजत जी रजत चलोडिया जो हमारे आज आप जिनको देखेंगे उनको ऐसा ही स्थिति था। हाथ में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हाथ का ऐसे मूवमेंट स्टिफनेस वगैरह उनका जा नहीं रहा था लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट में महज कुछ दिन के अंदर में सामान्य कुछ थेरेपी के अंदर में उनका बिल्कुल बहुत अच्छा से सही हो गया और उनका जो ट्रीटमेंट के बाद में हम जो है न्यूरोथेरेपी द्वारा पोस्ट इंजरी अगर बड़ा इंजरी लगता है कोई अगर कोई टेम्पररी लॉस को ट्रॉमा केयर के द्वारा उसको ठीक करने के बाद में अगर कोई और प्रॉब्लम्स है आपको अगर पुराना चोट से होने वाली कोई समस्याएं हैं तो आप बाद में न्यूरोथेरेपी चिकित्सा से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसका प्रमाण है रजत चलोडिया। आइए देखते हैं रजत जी क्या बोल रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है हमारे एक पेशेंट रजत चरोडिया जी जिनका बाइक से एक्सीडेंट होने के कारण उनके राइट हैंड में यहाँ पे इनका चोट लगा था। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं चोट लगने से इनके यहाँ पे स्टिचेस वगैरह भी हुए हैं और इनका यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो है बंद हो गया था और कोई भी सेंसेशन यहाँ पे इनका फील नहीं होता था और हमारे न्यूरोथेरेपी से इनका आज ट्रीटमेंट हुआ है। अभी उनका कैसा है क्या फीडबैक है अभी हम उन्हीं के मुँह से सुनेंगे। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आप हाँ और आपका सेंसेशन हाथ में फील सेंसेशन हाथ में फील कर पा रहे हैं? पहले जैसे सेंसेशन आपको नहीं लगता था? बहुत बेटर हुआ है। तो हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको आप न्यूरोथेरेपी को लेके क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? न्यूरोथेरेपी अच्छा है। वी शुड सजेस्ट अदर्स आल्सो टू डू। ओके जी थैंक यू। अभी आपने देखा एक्सीडेंटल इंजरी का केस जो एक्सीडेंट होने के बाद अगर हमारा कोई हड्डी टूट जाता है या कोई एक्यूट डैमेज होता है तो वो चीजें तो ठीक हो सकती है ठीक हो जाती है नॉर्मली लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रह जाता है जैसे इस केस में आप जो देखें उनका हाथ ऐसे नहीं होता था तरीके से हाथ का तकलीफ था बाइक एक्सीडेंट के बाद में। हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से इनका महज 6 या 7 दिन में इनको फर्क आ गया और जो चीजें सालों से नहीं हो पा रही थी वो अभी 6-7 दिन में ही होने चालू हो गए। इनके फादर भी हमारे पेशेंट थे और इनको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आया था और उसके बाद में इनका हमारा थेरेपी हुआ यहाँ पे। तो ये भी देखे और इनको भी काफी अच्छे रिजल्ट आए। तो मैं ऐसा कहूंगा एक्सीडेंटल इंजरी का जो पोस्ट इंजरीकल जो केस होते हैं उसमें तो ढेर सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास है उसका उसके लिए तो आपको सेंटर में ही आना पड़ेगा लेकिन कुछ चीजें जो है जो आप घर पे करने से आपको पता लग जाएगा कि इसका बेनिफिट्स कितना होता है या सेंटर में जा आके आप थेरेपी लेंगे निरोगालय के सेंटर में आके आप थेरेपी लेंगे तो आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगा ये जानने के लिए क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये मेरा 10 साल पुराना इंजरी है 20 साल पुराना इंजरी है तो इतना पुराना इंजरी आप क्या ठीक हो सकता है ये भी बहुत लोगों को मन में आ सकता है। तो उनके लिए मेरा आज का टिप्स है जरूर आप इस चीज को करिए और आप देखिए भली आपको बहुत किसी का सहायता लेना पड़ेगा आप उससे नहीं कर सकते इसलिए वीडियो आप जिनको सहायता लेंगे उनसे भी दिखाइए ताकि वो चीज वो कर पाए अच्छे से। ऐसे तो सेंटर में हम लोग बेड में ट्रीटमेंट देते हैं हमारे पास स्पेशल डिजाइन बेड्स होते हैं ऐसे बेड्स उसके ऊपर ऐसे स्टैंड बने हुए हैं उसके अपने हिसाब से वो एडजस्टेबल स्टैंड होते हैं लेकिन घर में आपके लिए ये सब पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए हम आपको ऐसे ही नॉर्मल बेड में कैसे दिया जाता है या योगा मैट पे नीचे लेटा करके कैसे दिया जाता है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंजरी के लिए आप क्या करिएगा ये जो पॉइंट्स है इसको आप इस तरीके से ये बायां पैर का लेफ्ट लेग का थर्ड एंड फोर्थ जो टो है उसको इस तरीके से पकड़ के अब रब करना है 20 बार फिर इस साइड में रब करना है 20 बार क्योंकि तीनों साइड होता है ऊपर में और दोनों तरफ फिर इस साइड में करना है 20 बार मैं 20 बार नहीं कर रहा हूं आपको करना है लेकिन फिर इधर थर्ड और फोर्थ में एक ही चीज करना है 1 मिनट छोड़ करके इसको 6 बार रिपीट करना 6 बार रिपीट करने के बाद फिर 1 मिनट गैप देना
उसके बाद आप किसी का सहायता से ही कर पाएंगे, इसलिए मैंने कहा। उसके बाद ऐसा एक कुशन वाला लेना है, पिलो लीजिए और पांव के नीचे रखवा दीजिए, ऐसे पांव के नीचे रख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे रब करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है, 6 सेकंड करके तीन जगह पे, 1, 2, 3, 6 सेकंड करके ऐसे प्रेस करना। फिर इस हाथ में 6 सेकंड करके तीन जगह पे, इधर 6 सेकंड, इधर 6 सेकंड, इधर 6 सेकंड। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको 1 सेकंड के लिए दिखा रहा हूँ, बट आपको 6 सेकंड करना है। उसके तुरंत बाद बिना गैप दिए, ये करने के बाद बिना गैप दे के ये करना है। उसके बाद बिना गैप दिए हाथ को ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर करके। अगर शुगर या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है तो फिर ये पॉइंट जो है चेस्ट के अंदर, ठीक छाती में, इस जगह पे ऐसे करके 12 बार रब करना है, फिर इधर 12 बार, फिर इधर 8 बार, यहाँ पे 12 एंड 8, फिर सेम 12 एंड 8 वहां पे उस साइड। तो ये जो है आपको करना है, एक ही बार करना, और पांव की उंगली वाला 6 बार करना, ये दिन में 2 बार करना सुबह और शाम। तो आप कितना भी पुराना इंजरी हो, आपको तुरंत आराम मिलेगा, आप करके देखिए एक बार, और उसके बाद आपका और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आप हमारे 3 नंबर पे संपर्क करिए। एक चीज आपका मैं बताता हूँ, ऐसी हेल्थ की वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी वीडियो पे आए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।